हरियाणा में नूह के पास कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां श्रद्धालुओं से भरी एक टूरिस्ट बस में आग लगने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना देर रात 2 बजे के करीब की है। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। नूह के विधायक आफताब अहमद ने कहा कि ये बेहद दर्दनाक, दुखद और दिल दहला देने वाली घटना है। श्रद्धालु वृंदावन से लौट रहे थे, बस में आग लग गई और बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बस में 60 से ज्यादा लोग मौजूद थे। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस खबर के आने तक बस में आग लगने का कारण पता नहीं लग पाया है। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, वो फौरन मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। हालांकि आग बुझाने में जवानों को काफी मुश्किल हुई। बसों की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। बस में मौजूद यात्री मथुरा से वापस लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि बस में मौजूद लोग एक दूसरे के परिचित थे और बस किराए पर ली गई थी। जैसे ही बस में आग लगी, वैसे ही चीख पुकार मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता हाथ नहीं लगी तो खिड़कियां तोड़कर लोगों को बस से बाहर निकाला गया। हालांकि पुलिस मामले की पूरी तरह से जांच में जुट गई है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।